हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम एम सी क्यूज बेस्ड ऑन द चैप्टर लाइट ऑन द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लैक्शन के बेसिस पे हम लोग कुछ एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट वैन ए रे ऑफ लाइट इंसीडेंट नॉर्मली ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है मान लो मिररर ही है मिरर के नॉर्मली इंसीडेंट करते हैं तो इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होगा नॉर्मल इसके ऊपर ड्रॉ की जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट्रे कौन साइड करेंगी अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी कितना रहेगा जीरो क्योंकि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं इक्वल होते हैं नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोविंग मिरर डेंटल सर्जन यूजेस टू एग्जामिन टीथ ऑफ ए पेशेंट इन जो मिरर्स हैं नीचे गिवन है इनमें से हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम मतलब जो डेंटल सर्जन हैं प्लेन मिरर कन्वेक्स मिरर कनकेव या फिर कनकेव और प्लेन दोनों अगर हम लोग बात करें प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं वो सेम साइज़ के बनती है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा कन्वेक्स इमेज बनाता है डिम्निस्ड तो सर्जन को थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए तो डिम्निश्ड का तो यूज़ ही नहीं होगा कनकेव मिरर क्या है वो एनलार्ज इमेज बना सकता है तो हम लोग इस मिरर को प्रेफर करेंगे पे प्लेन आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा नेक्स्ट द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज जीरो प्लस वन माइनस वन और इनफाइनाइट अगर ऑप्शन देखा जाए तो आंसर होगा बेटा हमारा ठीक है फोकल लेंथ क्या होता है बेटा फोकल लेंथ होती है फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस और फोकल लेंथ होती है रेडियस का हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग तो डिफाइन करना चाहें तो रेडियस क्या होती है बेटा इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर टेकन आउट जैसे अगर मैं बात करूं मैंने ये मिरर लिया है प्लेन मिरर तो मेरे को इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका इतना पोर्शन क्या दिखे मेरे को स्ट्रेट लाइन दिखे अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं जैसे ये ड्रॉ किया स्फीयर की तो इसका सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन जो है वो स्ट्रेट दिख रहा है इतना बड़ा दिखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को सर्कल बड़ा डोर करना पड़ेगा प्लेन मिरर इतने बड़े सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस क्या है इनफाइनाइट तो फोकल लेंथ तो भी क्या हो जाएगी बेटा उसकी इनफाइनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन नो मैटर हाउ फार एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज फर्स्ट कंकेव सेकेंड कन्वेक्स थर्ड प्लेन फोर्थ ऑफ़ दिस। अब हर कंडीशन में जो इमेज बने वो कैसी बने इरेक्ट बने तो मेरे कौन कौन से आ सकते हैं बेटा कनकेव ये रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है कन्वेक्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है रियल तो बनाता ही नहीं प्लेन जो है वो कैसे बनाते हैं वर्चुअल इरेक्ट अगर आप क्वेश्चन में बात करते हैं जो इमेज बात कर रहे हैं कि वो इरेक्ट है साथ में अगर डिमिनिस्ड हो इमेज क्या है डिमिनिस्ड है तो मिरर हो जाएगा कन्वेक्स जो इरेक्ट इमेज है अगर वो सेम साइज की है तो आंसर होगा बेटा हमारा प्लेन मिरर इमेज जो इरेक्ट है उसके बेसिस में उसकी कंडीशन भी देखते हैं अब यहां पे ऑप्शन में कन्वेक्स और प्लेन दोनों आ सकते हैं वन ऑफ दिस की बजाय लिख दो बोथ बी एंड सी क्योंकि बेटा जो कन्वेक्स मिरर है और जो प्लेन मिरर है हर कंडीशन में जो इमेज बनाते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा उनकी वर्चुअल और इरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 पॉइंट टू फाइव मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी जैसे ये प्लेन मिरर है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा कितने डिस्टेंस पे 0.25 मीटर प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है तो ये इमेज बन गई जीरो मीटर अब पूछा गया है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव तो इसको ऐड करोगे तो आंसर होगा जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो ये आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो जीरो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या रहेगा जीरो क्योंकि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं इक्वल होते हैं नेक्स्ट बेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज अब हम लोगों को ये देखना है बेटा कि मिरर में रियल इमेज कौन बनाता है कन्वेक्स बनाएगा नहीं प्लेन कभी बनाता नहीं कनकेव और प्लेन ये हो सकता था लेकिन यहां पे जो प्लेन है वो वर्चुअल इमेज बनाता है तो आंसर हमारा हो, क्या होगा कनकेव मिरर क्योंकि कनकेव मिरर क्या है बेटा ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर ऑफ रेडियस थर्टी प्लेज इन वॉटर इट्स लेंथ इन एयर एंड वॉटर डिफर बाय जीरो रेडियस थर्टी है फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर बेटा जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता चाहे हम लोग उसको एयर में रखें चाहे वोटर में या कोई और भी मीडियम हो सकता है क्योंकि वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन है लाइट मीडियम चेंज नहीं करती लाइट उसी मीडियम में रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन द इमेज फॉर्म बाय कनके मिरर इज रियल एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जो इमेज बनती है वो रियल बनती है लेकिन वो कैसी बनती है बेटा एन लार्ज यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है सेम साइज़ गलत बिटवीन सी और एफ रियल बनती है लेकिन इमेज एन लार्ज बनती है तो ये भी गलत हो जाएगा बियॉन्ड सी में भी रियल बनती है लेकिन इमेज जो बनती है वो डिमनिज बनती है गलत अगर ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी सी पे बनेगी और जो साइज़ होगा बेटा वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द नेचर एंड साइज़ ऑफ इमेज फॉर्मड बाय कन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन c एंड f ऑफ मिरर ऑब्ज़र्व्ड बाय अस अगर ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होता है तो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड। नेचर हो है साइज़ की बात करें तो एनलार्ज तो ये वर्चुअल के जो हैं ये तो गलत ही हो जाएंगे क्योंकि सी और एफ के बीच में इमेज रियल बनती है तो ये दोनों गलत रियल के साथ या डिमनिस्ज है गलत तो बचा हमारा ये स्टूडेंट्स अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू